वीडियो एंड आज के इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ खतरनाक नहीं बल्कि हॉरर सीड्स जो कि लिटरली में नॉर्मल नहीं है। उस सीड्स में कुछ ना कुछ तो ऐसी गलत चीज है जो कि तुम देखोगे ना तो उसके बाद कहोगे क्या सही में ऐसा भी चीजें हो सकती है माइनक्राफ्ट में। एंड ऊपर से तुमको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बता देता हूँ, आई डोंट नो ये फोकस हो रहा है कि नहीं बट तुमको क्लियरली दिख रहा रहेगा भाई, रात का टाइम और अपन कर्ज वाली चीजें देखने वाले हैं। So, हम आ चुके हैं हमारे पहले सीड पे और सीड और कोऑर्डिनेट्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, जरा देख लो। अगर आपको भी इस वर्ल्ड में आना है तो आप लोग आ सकते हो, पर इस जगह पे खास क्या है ये तो बता, नॉर्मल तो लग रहा है। रुको जरा, सबर करो। जैसे तू यहाँ पे सैंड्स को ऐसे 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 तोड़ेगा ना तू, ठीक है भाई ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा मेरे में, हो गया है तेरे में कैसे नहीं हो रहा है। ये देख जैसे मैंने एक सैंड की लेयर हटाई ना, यहाँ पे सैंड कंटिन्यूसली आगे गिरते जा रहा है। क्या तेरे में भी दिख रहा है वो? ओह माय गॉड, मैंने अब भी देखा। अरे लाइन से कैसे जा रहा है? इस लॉस्ट ऑफ सीड जो कि ऐसे कंटिन्यूसली आगे चलते जाता है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये देखो इसे कैसा इंपैक्ट करके रखा है यहाँ पे पूरा। अरे पर तू यहाँ पे नोटिस कर, सारे स्ट्रक्चर एक जैसे दिखाई दे रहे। ये तो कुछ नहीं, समय के साथ साथ हम लोग इस कर्ज के लेवल को एक्सट्रीम करते जाएंगे और आपको आने वाले टाइम में खतरनाक वाले सीड्स देखने को मिलने वाले हैं। अब आपको क्या लग रहा है, सामने पिलेजर है। मैं आपको 5 सेकंड का आलो, मैं तेरे को 5 सेकंड का टाइम देता हूँ और तू बता इसके अंदर क्या हो सकता है। रेविजर रहेगा, गोलम कैद रहेंगे, ऐसे ही कुछ होएगा। यहाँ पे एक विलेजर आउटपोस्ट के अंदर एक अलग ही दुनिया बनी हुई है डेजर्ट टेंपल की। एक डेजर्ट टेंपल है विलेजर आउटपोस्ट के अंदर, मैं नहीं मानता। ये लैक्स मिलियंस वर्ल्ड में से कोई एक ही लौता ऐसा वर्ल्ड होता है जहाँ पे ऐसी अपीयरेंस दिखती है हमको। ये अच्छा तो था पर उतना ज्यादा क्रेजी नहीं था जो मैं सोच रहा हूँ, कुछ तगड़ा दिखा भाई। ओके तो हम लोग उस वर्ल्ड में आ चुके हैं, वो सीड एंड कोऑर्डिनेट फिर से स्क्रीन के सामने तुम लोग देख लेना। फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्रेजी वाला, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज रिपीट करते जा रही है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पेड़ है, फिर से यहाँ पे एक पेड़ है, फिर से यहाँ पे एक पेड़ है, फिर यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, और ये पेड़ कंटिन्यूसली आगे चलते जा रहा है। एंड हाँ, ये मैंने नहीं बनाया, ऑलरेडी ये वर्ल्ड वैसा जनरेटेड है, आप लोग खुद ही वर्ल्ड में जाकर देखना आपको पता चलेगा। 6, 7, 8 मतलब ये कंटिन्यू जाते जा रहे सारे के सारे पेड़ लाइन में वो भी। अब ये पेड़ तक ही सीमित नहीं होता है, एक और चीज बताता हूँ। अब देख आलोक तेरे को बाजू दुखकर है, थोड़े बहुत घोड़े वीड़े दिखेंगे। हाँ तेरी तरह कोई कोई दिख रहा है, लेकिन मैंने नाम तो तेरा लिया। इवन तो एनिमल्स भी यहाँ पे रिपीट होंगे, तो ध्यान से देखना। ओके यहाँ पे 4 डुक्कर और 4 घोड़े हैं। वो यहाँ पे फिर से 4 डुक्कर हैं और सेम टू सेम यहाँ पे फिर से 4 घोड़े हैं। आगे तो देख फिर से दिखेंगे 4 डुक्कर, वापस से 4 डुक्कर और वापस से 4 घोड़े। अब यही तो खत्म नहीं होता है, बाजू में तेरे को लेक पॉन्ड दिखेगा छोटा सा। एंड यहाँ पे देखना ये खड्डे जो है ना, इन लोगों ने खड्डे को भी नहीं छोड़ा, ये खड्डे भी रिपीट होते जा रहे कंटिन्यूसली आगे तक। 2 खड्डे, 2 सेम है, 2 सेम है, 3 खड्डे, 4 खड्डे, 5 खड्डे, 6 खड्डे। 3 बजे क्या क्या दिखा रहा है ये बंदा मेरे को, ऐसे इसके बाद सोएगा ना लोग की जागा ही रहेगा। अभी मैं आ चुका हूँ पूरी तैयारी करके, तेरे में जितना दर्द लगा ले अभी मैं नहीं डरने वाला। 3, 2, 1 बूम, प्रेजेंट है, देख लो आप सभी लोग ये क्या चीज है। वो अरे अबे ये क्या है, हेलो, अरे पर ये काज कैसे हो सकता है यार, मतलब मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है यार। ये वाली जो सीड है ना मैं डिस्कॉर्ड पे देने वाला, तो जाके डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं पर मिलेगा। पर ये पोर्टल चालू कैसे हुआ है, इसमें आई ऑफ एंडर भी आधे लगे हुए, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक और ग्लिच फाइंड कर लिया है, मतलब आप एंड में विदाउट आई ऑफ एंडर जा सकते हो। वो क्या लोग, तुझे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है तुझे? भाई मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। हाँ तो शक्ल भी देख लेना। वो अठने वाली चॉकलेट आती है ना, किस मी नाइस, फिर गर्लफ्रेंड भी मिलेगी और भी कुछ मिल जाएगा उसके साथ। तो ये वर्ल्ड में जैसे ही आप थोड़ा ऊपर आओगे तो आप गौर करोगे यहाँ पे आपको लिटरल बैडलैंड्स के बीच में एक हार्ट शेप दिखेगा।
आपको तो पता है गाइस मैं कितना सिंगल हूँ, मेरे को ये हार्डवुड बनाने नहीं आते गाइस। सब डीएम में कोई लड़की रहेगी तो मैसेज करो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? इसमें स्कैरी क्या था, मेरे को थोड़ा भी डर नहीं लगा। ठीक है फिर तुम चलो तुम दूसरे सीढ़ी पे चलो। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आलू तुझे दिख गई क्या वो चीज? ओ तेरी तो ये क्या है भाई, आधा डेजर्ट टेम्पल है और आधा क्या बोलती है इसको, जंगल टेम्पल है। ये जो है ये भी जो फिनोमेन है वो मिलियंस में कहीं एक बार या होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं। हाँ ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं है। ये गोल्डन इंचेंटेड एप्पल मिल गया है। ब्रो ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमारा रेयर है और उसमें भी हमको रेयर चीजें मिल रही है। ओ क्रेजी। देखो जो अगला सीड है वो थोड़ा रेयर है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसका जो सीड है ना वो तुमको डिस्कॉर्ड सर्वर में दूंगा, तो फिर से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो गाइस। तू दिखा क्या रहा है पहले वो बता भाई। अब खास बात ये नहीं है कि इसमें वुडलैंड मेंशन है, खास बात ये है कि इस वुडलैंड मेंशन के अंदर ही एक विलेज है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो। एंड ऐसे मैंने बनाया नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक जनरेटेड है। ये क्या सीन है, बाजू में मेंशन और उसके पास में ही विलेज है। एक मिनट मैं एक और स्पेशलिटी बताता हूँ, इसके अंदर इस मेंशन के अंदर भी एक विलेज है जिसके अंदर विलेजर्स घूमते हैं। क्या इसमें क्या चीज है, क्या बता दिया सच में क्या? ऑब्वियसली मैं झूठी बोल रहा हूँ, यहाँ पे विलेजर्स भी रहते हैं इस मेंशन में, विलेजर्स एंड पिलेजर्स जो कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक साथ रहते हैं। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है यार, कभी क्रीपर और इंसान साथ में रह सकते क्या? हाँ अगर इंसान आलोक है तो। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था आधा एंड पोर्टल, अब मैं आपको दिखाऊंगा पूरा एंड पोर्टल, लेकिन वो मैंने नहीं, वो ऑलरेडी गेम ने बना कर रखा है। पर ये ऑलरेडी कैसे बन सकता है? अच्छा सच्ची बता, तूने बनाया ना इसको? पागल है क्या सही में? तुम लोग चेकआउट कर लेना, तुम लोग को पता चल जाएगा। देखो बार बार अभी हम लोग को टीपी होना पड़ रहा है लोकेशंस में, एक काम करते हैं कुछ ऐसा सीड लाते हैं जैसे आप गेम ओपन करोगे वैसे आपको चमत्कार मिलेगा। तो ये सीड से मिलिए। हाँ नहीं तो मैं स्पॉन तो हो गया हूँ यहाँ पे, क्या तू मेरे को ये रोज दिखाने के लिए लाया है? हाँ थोड़ा हवे में उड़ना, थोड़ा हवे में उड़ना भाई। ये तो वही रेयर वाला बायोम है ना, मशरूम बायोम वाला। अब देखो ये तो रेयर है बट मैं ये दिखाने नहीं लाया था यार आप लोग को। तो जैसे ही तू ग्राउंड में आएगा तू पाएगा कि यहाँ पे ये जो केव है ना ये रिपीट होते रहे हैं। मैं समझ गया ये क्या है भाई, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में पहली बार देख रहा हूँ। बल्कि ये टोटल 33 मिलियन ब्लॉक्स तक आगे कंटिन्यूअसली रिपीट होते ही जा रहा है। 33 मिलियन इन द सेंस ये रहेगा 3 करोड़ से भी ज्यादा। यहाँ पे एक डायमंड भी तुझे देखने को मिलेगा। एंड यस ये डायमंड जो अंदर है ना ये रिपीट होते जा रहा है, मतलब इस वाले में डायमंड है तो ऐसे हर एक में डायमंड कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं गाइस। हाँ मेरे को भी डायमंड दिख गया, लावा के अंदर है जो अनलिमिटेड डायमंड। तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे प्लीज। मैं गरीब हूँ प्लीज, इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट, फॉलो कर लो, यू नो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दैट्स इट फॉर टुडेस फॉर बाय।